आप अपने बारे में बताइए। आपका नाम? सो आप सब गृह ट्रॉफी के विनर्स हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? नेशनल लेवल पर आप लोग आ गए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको जो आज ट्रॉफी मिली है, जो आप विनर रहे हैं, वो किस चीज़ को लेकर के रहे हैं, किस चीज़ के लिए मिली है आपको? ये एक डिज़ाइन कॉम्पिटिशन था जिसके अंदर हमें एक सस्टेनेबल ग्रीन स्कूल डिज़ाइन करना था, और सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, हमें इसमें बच्चों को बीइंग ग्रीन और सस्टेनेबल का आइडिया भी प्रोपोगेट करना था थ्रू आर्किटेक्चर एंड स्पेसेस। मेजर चैलेंजेस के अंदर आइडिया ऑफ प्रोपोगेशन ही था। तो मुझे लगा कि आपका जो ये प्रोजेक्ट था वो शहरी क्षेत्रों को लेकर के, शहरी स्कूल्स को लेकर के था। जो गांवों में स्कूल बनेंगे या बनने वाले हैं, तो उनके लिए आपने, आप लोगों ने कुछ सोचा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए? देखिए, हमारे कंपटीशन का ब्रीफ जो कहता है, हमें जो गिवन साइट थी उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि हम एक अर्बन एनवायरनमेंट में जनरेट करें एक डिज़ाइन, दैट इज़ इन गुड़गांव। लेकिन ऑफकोर्स जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, हमें गृह के अकॉर्डिंग्स में चलते हुए ये देखना था कि वो टेक्निक्स मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट कंज्यूम करें या कॉस्ट करें। तो अगर हम इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, तो येस, इट विल बी अनफेयर कि अगर हम रूरल के बारे में ना सोचें। तो येस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी एंड मेथडोलॉजी जो हमने इंट्रोड्यूस की, उसका एप्लीकेशन रूरल एरियाज में भी है। ओके, तो आपने अपने पर्सनल लेवल पर कभी सोचा है कि उन क्षेत्रों के लिए क्या करना चाहिए जो गांवों में हैं स्कूल या बनने के लायक हैं, या और आप सोच रहे हो बनाने के लिए? बिकॉज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो सिर्फ दिल्ली या इस तरफ के एरियो के लिए नहीं है, वो पूरे इंडिया के लिए या ऑल ओवर कंट्री के लिए हम बात करते हैं। तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? हमने जैसे सोलर पैनल्स वगैरह लगाए थे, तो गाँव में भी लग जाते हैं, वो सेम जो हमारी ब्रिक्स थी वो हमारी साइट की सॉइल से ही बनाई थी, तो हम सेम वो रूरल एरियाज में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि बेटर लाइफस्टाइल। ये सब ऑप्शंस अगर हम उन्हें, ये सब ऑप्शंस को देखते हुए, देयर इज अ मास एग्जोडस, लोग गांव से या आइसोलेटेड स्पेसेस से शहरों की तरफ दौड़ते हैं। अगर हम यही चीज़ें उनको उनके कोर में प्रोवाइड करें, तो हम वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनकी जहाँ पे वो रहते हैं वहीं उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसी मेथडोलॉजी हमने यूज़ की है, जैसे कि अगर हमें ऑन साइट कुछ बनाना है, तो हम वहाँ की ब्रिक्स, वहीं की मिट्टी को इस्तेमाल करके बना रहे हैं। तो उस वजह से क्या होगा, अगर ये हर चीज़ गांव में होती है, तो गांव के लोग वहीं के वहीं एंगेज होंगे, उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स मिलेगा, एंड वो वहीं उस साइट पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आई थिंक ये मेथडोलॉजी जो हमने एक यूज़ की है अपने डिज़ाइन में, वो काम आ सकता है। और ये काम बल्कि ज़्यादा रूरल एरिया में बेटर एफिशिएंटली काम कर पाएगी, रादर जो जिस जगह में अभी हम लोगों ने किया। एंड इवन जैसे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइप्स और उनको बस एक इनोवेटिव वे में यूज़ किया था, रूरल एरियाज में ये सब कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, सो गृह ट्रॉफी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या है ये, और आप सब इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, क्या होता है? बेसिकली ग्रीहा इज ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये जज करते हैं बिल्डिंग्स को फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी एंड बीइंग ग्रीन। ग्रीहा ट्रॉफी नासा के अंदर हमेशा ग्रीन बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने के लिए ही प्रमोट करता है बच्चों के अंदर, कॉलेजेस लेवल पे एम्फसाइज करता है कि बच्चे ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में सोचें और डिज़ाइन करें।
थर्ड ईयर था ये क्रिया का नासा के अंदर, एंड नासा के अंदर सारे सिर्फ ओनली आर्किटेक्चर कॉलेजेस पार्ट लेते हैं, एंड पहले नासा के अंदर 500-600 एंट्रीज में से 100 सिलेक्ट होके एंड देन आफ्टर दैट ये क्रिया ट्रॉफी के पार्ट ले सकते हैं। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जब आप स्कूल्स बनाते हैं, उनके मॉडल तैयार करते हैं, तो बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, उसके बाद आप कोई भी बिल्डिंग तैयार करते हैं, तो ऐसे में पेड़ों की कटाई ज़्यादा होती है बिल्डिंग बनाने के मुकाबले में, तो उस सिलसिले में या उस समय आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है? एक्चुअली हमने कोई भी पेड़ कट नहीं किया था ऑन साइट, कोई पेड़, कोई ट्री नहीं था, एंड सेकेंडली ट्री हम कट कर ही नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उस ट्री को एक इनोवेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, उसके अराउंड डिज़ाइन बना के उसके कट करने की जगह उसको एक पॉजिटिव वे में लेके डिज़ाइन सोचते हैं, कभी भी ट्री कट नहीं करते हैं। वाइल्ड डिजाइनिंग एक पेड़ कट होता है तो उसके बाद 5 ग्रो करने पड़े। नो, आई थिंक वी हैव टू ग्रो टेन ट्रीज इफ़ वी आर कटिंग वन ट्री, एंड या एक चीज़ होती है कि हम ट्री को जड़ से निकालते हैं, साइट पे ही और किसी जगह प्लेस करते हैं, दैट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आप वो इक्वल कर देते हैं, आपने बिल्डिंग तैयार किया है, जितना आपने पेड़ों को काटा है उतना ही आप तो ग्रो मिनिमम है, एंड दिस इज अ रूल एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट या फ्रॉम द फील्ड, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ठीक है, अगर हमें पेड़ काटने भी पड़े टू मेक स्पेस ताकि हम कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकें, उस बिल्डिंग का सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने साइट पर इंटरवीन किया है तो इस साइट पर हम सस्टेनेबल टेक्निक्स यूज़ करके एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ताकि वो सस्टेनेबल हो जाए बाय इट्स ओन डेफिनेशन, ताकि जब तक वो फंक्शन करे तो एनर्जी कम यूज़ हो रही है। एसेंशियली अगर आप उस साइट पे कुछ भी बना रहे हो तो एनर्जी और यूज़ हो रही है, तो स्कूल जैसी जगह पे हमारे पास ये स्कोप था कि हम वहाँ पे स्टूडेंट्स जो आएंगे हर रोज़ वो इस चीज़ से सीख सकते हैं ये सस्टेनेबल टेक्निक्स, ये मेथडोलॉजीज, तो उस साइट के विदिन ही नहीं, इस साइट के बियॉन्ड भी जब स्टूडेंट्स स्कूल से निकलेंगे वो अपने साथ एक मैसेज कैरी करके जाएंगे कि हमें कुछ सस्टेनेबल रखना है, हम सेंसिटाइज हैं, हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, जिसे एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो आप जो दर्शक आपको देखने वाले हैं और देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर? बालगुरु से बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।